हेलो गाइज, माय नेम इज बने एंड वेलकम बैक टू द शो। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप स्मूथ स्लो मोशन अपने मोबाइल फोन से कैसे कर सकते हैं। वैसे प्रीमियर के अंदर आता है स्मूथ स्लो मोशन रेंडर करने का, वही रेंडर ऑप्शन मैं आपको आज मोबाइल के अंदर एडिटिंग के टूल में बताऊंगा। इस वीडियो में आप आगे देखते रहना, मैं आपको पूरी चीज़ें एडवांस में, वैसे सारी वीडियोज में बनाता रहता हूँ एडिटिंग के, एक एक टूल के ऊपर मैं एडिटिंग की वीडियो बनाता हूँ, टूल यूज करने में आपको सिखाता हूँ हर वीडियो के एडिटिंग में, आप उस टूल को कैसे कैसे डिफरेंट वेज में आप यूज कर सकते हो। वैसे मेरी फेस पे ज़्यादा कुछ मजा रहा है, मैं अधिकतर फेस की वीडियो ऐसे ही बनाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का, क्योंकि आप समझ सकते हो अभी जून का मैं, अभी मई जून चल रहा है, इसमें एग्जाम वगैरह होते हैं तो मेरे को थोड़ा टाइम वगैरह चाहिए, तो मैं एक साथ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। वैसे तो ये चीज़ मेरे को नहीं बतानी चाहिए आपको, पर मैं एक्चुअली बता रहा हूँ ताकि यार मेरी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस को मेरी चीज़ें नहीं पता होगी तो किसको पता होगी, तो आप लोग समझ सकते हो। बाकी एंड स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले क्या करना है, कैपकट एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है एंड कोई भी एक आपको वो वीडियो लेनी है जिसको आपको स्लो मोशन अच्छे से करना चाहते हो। मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ जस्ट सैम्पल के रूप में, ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ। अभी देखो ये कोई भी स्लो नहीं है वीडियो, इसको मैं एकदम स्मूथ स्लो मोशन करके दिखाऊँगा, जो कि हमारा कैपकट हमें दे चुका है। कर्ज में जाएंगे एंड कस्टम करके, यहाँ देखो आपको मेक इट स्मूथर ये कर रखा है, ये स्मूथ इतना कर रखा है। अब देखो फ्रेम ड्रॉप कितनी होगी, देखो कितना रुक रुक के चल रहा है, इसको स्मूथ करना दिखाऊंगा मैं आपको। मेक इट स्मूथर है, क्लिक करेंगे, बैटरी फास्टर प्रोसेस करेंगे एंड डन कर देंगे। स्मूथ स्लो मोशन अप्लाइंग हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं इसमें ये होने में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हो चुका, डन करते हैं। अब देखो एकदम स्मूथ स्लो मोशन हो रहा, पर फ्रेम ड्रॉप हो रही है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था, क्योंकि ये फ्रेम क्या इतनी हो रही है, पर अब ही बैठ रही है ये, क्या पूरा सबसे नीचे करने के बाद पूरी स्लो करेंगे ना तो फोटो अजीब सी हो जाएगी, मतलब वीडियो अजीब सी हो जाएगी। तो थोड़ा सा नीचे टच मत करो, थोड़ा ऊपर रखो, आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, देखो। और अगर बेटर क्वालिटी करोगे उसकी जगह तो आप देख ही सकते हो, बेटर क्वालिटी में आपको करके दिखा देता हूँ एंड फिर से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होने में कुछ ही सेकंड लगते हैं तो हम चेक कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन थोड़ा सा हल्का है तो आपको इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो गाइज हमारा हो चुका है, मैं आपको बेटर क्वालिटी स्लो दिखा देता हूँ। अब देखो बेटर क्वालिटी में पूरी फ्रेम, मतलब इसमें क्वालिटी हो रही है, मतलब क्वालिटी वाइज स्लो हो रहा है पर बेकार हो रहा है। इससे बड़े तो आप स्मूथ कर लो इसको, ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं अंडू कर देता हूँ एंड स्मूथ स्लो मोशन कर देता हूँ। बस आपको मेरा काम था स्लो मोशन सिखाना, आपको कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव करके दिखाना है। ये तो थे कैमरा की फ्रेम, मैं एक और वीडियो के इस आईफोन की वीडियो ले लेता हूँ उठा के, ये वाली वीडियो आईफोन की है मेरी, इसी को ले लेते हैं। चलो जाते हैं, हम क्लिक करते हैं पहले स्पीड पे एंड कर कस्टम, कस्टम को एडिट एंड इसी डॉट को नीचे कर लेंगे एंड मेक इट फास्टर प्रोसेस, ओके डन। अप्लाइंग स्लो मोशन, अप्लाइंग स्लो मोशन, स्मूथ स्लो मोशन, देखो नाम भी स्मूथ लिखा हुआ है, कितना स्मूथ है अभी पता चल जाएगा ना, स्मूथ है अभी पता चल जाएगा। प्ले करते हैं, म्यूट कर लेते पहले, हाँ म्यूट हो गई। अब देखो अब ये फ्रेम देखो, मोबाइल से वीडियो बनाया हुआ कितना स्मूथ चल रहा है। कैमरे से क्या, वो 50mm लेंस से बनाया हुआ था, 50mm लेंस वैसे ही वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट के कारण फ्रेम ड्रॉप हो रही थी। तो इसमें फिर से करके करते हैं, बेटर क्वालिटी करके देखते हैं इस बार, ओके डन। अप्लाइंग हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक्चुअली। हम क्या लैपटॉप या मोबाइल से करते हैं, नहीं लैपटॉप या पीसी से करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, आपके पास हाई बिल्ड पीसी होने ही चाहिए, आपके पास M1 चिपसेट है तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। मोबाइल से तो बहुत कम, आधा से आधा टाइम लगेगा, M1 चिप इतनी फास्ट है, मेरे को भी लानी है एक्चुअली, पर थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। हो गया हमारी वीडियो, ये देखो इसमें बैटरी क्वालिटी बेकार हो गया, बैटरी क्वालिटी का नाम बेकार है दोस्तों। सीधी सी बात, ये बैटरी क्वालिटी का मतलब बैटर नहीं है,
बेटर का मतलब बेकार है। देखो बेकार स्लो मोशन क्वालिटी इसको हम बोल सकते हैं। बाकी जितनी स्लो हुई है ना यार, क्या बताऊँ मैं आपको, एक पॉइंट और स्लो करता हूँ मैं। देखो यहाँ हाथ वाले पोजीशन को मैं और स्लो करता हूँ एंड ओके डन, अप्लाई हो रहा है। ये क्या हमने स्मूथ स्लो मोशन और ऐड कर दिया इसलिए अप्लाई हो रहा है, वरना टाइम नहीं लगाता इतना। आपको कैप कट का पता ही है, मैं हर अधिकतर वीडियो आपको कैप कट के बारे में बताता हूँ, बनाता भी हूँ। तो ऐसे आपको ये स्लो मोशन यहाँ पे लगवाया था मैंने, देखो हाथ वाले ऑप्शन पे देखो हुआ एकदम स्मूथ। तो बस इतना ही था आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये स्मूथ स्लो मोशन करना सीख के होंगे। अब आपको हाई बिल्ड पीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेंडर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रेंडर आपके फास्ट मोबाइल से हो जाएगा अगर आपका मोबाइल का प्रोसेसर फास्ट है। वैसे मोबाइल अधिकतर 20,000 से ऊपर का होता है अधिकतर लोगों के पास, और जिनके पास 20,000 का कंप्यूटर आता है उसमें स्लो रेंडर होता है। बाकी आप लोग समझ ही सकते हो स्लो रेंडर, मुझे बताया कितना स्लो से कितना ज़्यादा टाइम लेता है, एक मिनट की वीडियो में एक घंटा भी ले लेता है कभी कभी रेंडर करने में। तो मेरे को मैंने वो प्रॉब्लम फेस की है, तो मैंने अपना ही मोबाइल का डाटा यूज करके माथा बोर्ड दिमाग वगैरह लगा के मैंने ये टूल ढूंढा आपके लिए। ये वैसे कैपकट तो मैं काफ़ी दिनों से यूज करता हूँ, पर कैपकट में मैंने इतना ध्यान कभी दिया ही नहीं था। एक्चुअली मैं एक दिन एडिटिंग कर रहा था, स्लो मोशन कर रहा था मेरे दोस्त की वीडियो, खुद की वीडियो हम इतनी स्मूथली एडिट नहीं करते, दोस्त की वीडियो कर देते, बस फ़र्क क्या पड़ता है यार, खुद भी तो नया सीखेंगे तो हम नई नई चीज़ें दोस्त की वीडियो बनाने में करते हैं, क्योंकि वीडियो ख़राब उसकी होगी हमारी थोड़ी होगी। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड चैनल को आगे नहीं बोलूँगा, बाकी आप करो यार, मैं खुद पता। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।